पब्लिक टीवी आपकी आवाज। आज बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मैं दरियापुर के निवासी जो मुरादाबाद में गांव है दरियापुर, उनके निवासियों को बधाई देना चाहता हूं और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। उनकी सालों साल पचासों साल पुरानी मांग थी कि बरसात के महीने में पूरा आना जाना ठप हो जाता, 3 महीने वहां के निवासी कहीं बाहर नहीं जा पाते, न शादियां हो सकती है, न कोई कारोबार हो सकता है और बिल्कुल वहां से आना जाना बंद हो जाता है, इसलिए कि चारों तरफ पानी होता है। तो मैं पहली बार वहां सांसद बन के गया तो मैंने देखा उस गांव का हाल, बड़ी मुश्किल से खेत खलियान होकर वहां पहुंचा तो मुझे लगा कि ये गांव ऐसी जगह है जहां इसमें कोई बहुत सारी सुविधाएं नहीं है। मैंने अपने सांसद निधि का बहुत बड़ा रकम जो है वहां खर्च किया, वहां अंदर सड़कें बनवाई, वहां पर स्कूल बनवाया, वहां पर पार्क बनवाया, वहां लाइटें दी, जल से पानी देने का काम किया और बहुत सारी जो स्टेट गवर्नमेंट की सरकार जो वेलफेयर स्कीम थी उसको पहुंचाने का काम किया। लेकिन एक जो बड़ी डिमांड थी कि वो पानी बरसात के समय में वो बाहर जा सके, उसके लिए पुल, नदी के ऊपर पुल बनना था, उसके कोशिश जारी थी। हमने ये बीड़ा उठाया और मैं आज धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री भूपेंद्र जी का, आदरणीय मंत्री कैबिनेट मंत्री श्री जितिन प्रसादा जी का, कि इन लोगों के सपोर्ट से, योगदान से और इन लोगों ने जो वहां के दरियापुर गांव के निवासियों की तकलीफ को समझा और एक महत्वपूर्ण जो डिसीजन था लिया और जो इनकी रिक्वेस्ट थी कि वहां पर एक पुल बने, उस पुल के निर्माण के लिए पूरे तौर से पीडब्ल्यू ने अप्रूवल दे दिया। शीघ्र ही काम शुरू होगा और वहां पुल का निर्माण भी होगा और वहां के रहने वाले निवासी दरियापुर के जो उनकी ख्वाहिश थी खुले आसमान में सांस ले और पूरे सालों साल वो बाहर अपने गांव से बाहर जा सके, शादी ब्याह हो सके, कारोबार हो सके, वो अब साकार होते हुए दिख रहा है। और मुझे फिर से बहुत हर्ष उल्लास के साथ उन लोगों को बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि हमने गोद लिया इस गांव को और गोद लेने के बाद इस पर फर्क आया और वहां के लोगों को की जो मुसीबतें थी उसका जो समाधान निकालने में हमें आदरणीय मुख्यमंत्री जी का पूरा सहयोग मिला, उनके वेलफेयर स्कीम को धरातल लेकर आया, उनसे उनको बहुत फायदा हुआ। और मैं इस मौके पर धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रदेश अध्यक्ष जी को, जिन्होंने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जी जो वहां से बिलोंग करते हैं, उनका बहुत बड़ा सहयोग मिला, साथ मिला और उनकी वजह से आज ये साकार होते हुए दिख रहा है। धन्यवाद। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।